रायमंड रोड पे इस टाइम 15 से 20 सोसाइटीज हैं, जिसमें एक सोसाइटी बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 है, और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आपको 10 मल्ले का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 50 लाख का मिल सकता है, जिसमें कल को आप रिहाइश कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए उसको छोड़ सकते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफा फिर आपके खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 जो कि रायवन रोड पे लोकेट कर रहा है, यहां पर हमें एक केनाल 10 मल्ला 5 मल्ला की कटिंग देखने को मिलती है। लेकिन 10 मल्ले का प्लॉट क्या आप जानते हैं, आप वहां आज भी 50 लाख का बाय कर सकते हैं। अब बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की आपको खास और इसकी खूबसूरत अट्रैक्शन बताता हूं कि रायवन रोड पे इस टाइम 15 से 20 सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें अल कबीर है, इतिहाद टाउन फेज 1 है, फेज 2 है। इसके साथ-साथ आपको यहां पे ड्रीम हाउसिंग मिलती है, लेक सिटी मिलती है, फजाइया हाउसिंग स्कीम मिलती है। ये सारी लग्जरी सोसाइटी हैं जो आपको रायवन रोड पे मिल रही है। लेकिन उनमें से भी एक ऐसी लग्जरी सोसाइटी है जहां पे आपको 10 मल्ले का प्लॉट सिर्फ और सिर्फ 50 लाख में मिल रहा है, जो कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 है। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 लग्जरी कैसे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की अगर आप एंट्रेंस को देखें तो ये इतनी बड़ी एंट्रेंस है कि आप रायवन रोड पे 15 से 20 सोसाइटीज में से किसी भी दो सोसाइटी को आप एंट्रेंस को प्लस कर लें तो उनकी जो दो को मिला के एंट्रेंस मिलेगी, उतनी बड़ी एड्रेस आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की मिलती है। तो यहां से आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का फ्यूचर पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। व्यूवर्स, बैरिया ऑर्चर्ड के वैसे तो 4 फेजेस हैं, फेज 1, 2, 3, 4, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा ऐसा लग्जरी फेज जहां पे फ्यूचर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब देखने को मिलेगा, लग्जरी शॉप्स देखने को मिलेंगी, लग्जरी अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की जो ग्रैंड एंट्रेंस है, जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको लेफ्ट और राइट साइड पे बड़े-बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं। ये कोई इकोनॉमिकल मॉल नहीं है, ये लग्जरी मॉल्स हैं जो कि आपको फ्यूचर में यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट, स्विमिंग पूल, स्वाना, इस तरह की लग्जरी फैसिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, इस सोसाइटी को 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट की कटिंग लगती है, यानी यहाँ पे जो 10 मल्ले का प्लॉट है, किनाल का प्लॉट है, 5 मल्ले का प्लॉट है, इन सारे प्लॉट्स के लिए फ्यूचर में यहाँ पे जो भी ब्रांड्स आएंगे वो 8 मल्ला कमर्शियल प्लॉट पे आएंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे 5 मल्ले के कमर्शियल प्लॉट्स भी मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं 10 मल्ले का रेजिडेंशियल प्लॉट, क्योंकि यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसका सबसे पहले हम रेजिडेंशियल एनालिसिस करते हैं। व्यूअर्स, रेजिडेंशियल एनालिसिस की बात करें तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 अभी इस टाइम स्टार्टिंग स्टेज पे है। स्टार्टिंग स्टेज का मतलब यह है कि यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हमें 20% पॉपुलेशन देखने को मिलती है बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में, और बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के जो 10 मल्ले के प्लॉट्स हैं वो हमें 4 ब्लॉक्स में देखने को मिलते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जैसे ही आप एंटर होते हैं तो कमर्शियल हब क्रॉस करने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे G1 मिलता है और राइट साइड पे G2 मिलता है, जहां पे आपको मोस्टली केनाल की और इसके बाद 5 मल्ले की कटिंग देखने को मिलती है। लेकिन G1 और G2 को जब आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको G3 देखने को मिलता है, उसके बाद राइट साइड पे आपको G4 देखने को मिलता है। यहां पे आपको 90% 10 मल्ले की कटिंग देखने को मिलती है। G4 के अंदर टोपेरी गार्डन के नाम से बहुत ही खूबसूरत पार्क यहां पे बैरिया की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और G4 में हमें पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलती है 10 मल्ले की। इसके बाद हम इसको क्रॉस करते हैं तो सेकंड राउंड रोड पे आ जाते हैं, तो हमें लेफ्ट साइड पे G5 ब्लॉक देखने को मिलता है और राइट साइड पे हमें G6 ब्लॉक देखने को मिलता है। व्यूवर, सबसे ज्यादा हमें पॉपुलेशन G4 में देखने को मिलती है, उसके बाद G3 और G5 और G6 में भी हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन 20% पॉपुलेशन हमें देखने को मिल रही है, अभी भी यहां पर प्लॉट्स काफी ज्यादा अवेलेबल हैं। अब इन प्लॉट्स को अगर आप आज बाय करते हैं तो आप यहां पर रिहाइश का सोच रहे हैं, तो रिहाइश के लिए अगर आज आप लेते हैं तो कल को अगर आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बैरिया टाउन का जो ऑपरेशनल स्कूल है वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सेंट्रल ब्लॉक में। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांच है बैरिया टाउन स्कूल की, वो आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में स्ट्रक्चरल फॉर्म में देखने को मिलती है, जो कि फ्यूचर में आपको ऑपरेशनल मिलेगी। इसके साथ यहां पे हमें बैरिया ऑर्चर्ड का बेगम मख्तूम रुखसाना के नाम से इंटरनेशनल हॉस्पिटल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहां पे जो कमर्शियल हब बना के दिए जा रहा है, आने वाले फ्यूचर में अगर आप अपनी रिहाइश करते हैं तो ये सारी नीड को पूरा करेगा, क्योंकि यहां पे 8 से 10 बड़े मॉल्स बना के दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पे जलाल सन भी ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। मजीद हम बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की व्यूवर्स अगर हम बात करें तो यहां पे पॉपुलेशन के लिए अगर आज आप लेते हैं और कल को अगर आप घर बनाते हैं तो यहां पे ऑलमोस्ट सारी नीड्स पूरी हो रही है। इवन कि इतनी लग्जरी नीड्स यहां पे कमर्शियल हब में आ रही हैं कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज जो आपने प्लॉट लिया होगा तो कल को अगर आप रिहाइश करते हैं तो हर तरह की सहूलियत आपको बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। व्यूअर्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में सबसे पहले लोकेशन देखी जाती है, जो कि मैंने आपको बताया बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की सबसे ज्यादा प्राइम लोकेशन बन रही है, और इसकी जो ग्रैंड एंट्रेंस है वो हमें पूरे रायवन रोड पे सबसे ज्यादा इस सोसाइटी के इस फेज में देखने को मिलती है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें तो यहां पे सबसे बड़ी अट्रैक्शन
देखें यहाँ पे 8 से 10 बड़े मॉल्स हैं, जिसमें टाइम्स स्क्वायर मॉल, बहरिया स्काई, इसके अलावा यहाँ पे ऑर्चर्ड मॉल और यहाँ पे मल्टीपल जो मॉल्स हैं यहाँ पे बना के दिए जा रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में जब ये मॉल आबाद होंगे और यहाँ पर लग्जरी ब्रांड्स आएंगे तो आपका यहाँ पे जो 50 लाख वाला प्लॉट है डेफिनेटली वहाँ पे हमें एक अच्छा कुशन देखने को मिलेगा। मजीद इस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो अप्रोच है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जो आपको 10 मल्ला के प्लॉट में मिल रही है वो आपको फेज 3 से भी देखने को मिल रही है, जो कि बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के साथ इंटरलिंक है। अगर हम 10 मल्ले प्लॉट की प्राइस की बात करें जो कि मैंने आपको बताया 50 लाख में आपको मिल रहा है, तो वो आपको G5 में भी मिल रहा है और G6 में भी मिल रहा है। G3 और G4 की बात करें तो ये चूंकि G1 और G2 के बिल्कुल फौरी बाद आ रहे हैं फर्स्ट राउंड बोर्ड के बाद, तो यहाँ पे आपको स्लाइटली ज्यादा प्राइस देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप G5 G6 जहाँ पे G5 जहाँ पे ऑलरेडी अपार्टमेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें अतर होम्स, मेडो स्मार्ट होम्स, इस तरह के डिफरेंट अपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं, इसके आसपास भी 10 मल्ले के प्लॉट्स हैं, इसके अलावा G6 में भी प्लॉट हैं, यहाँ पे आपको आज भी 5 मल्ले का प्लॉट देखने को मिल जाता है, जहाँ पे अगर आप आज लेते हैं तो वेरी फर्स्ट प्राइस जहाँ पे इस टाइम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, कमर्शियल हब आबाद होने जा रहा है, इसके साथ साथ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत बेहतरीन मिलता है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में, इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको लग्जरी चीज़ें मिल रही हैं जो कि बहरिया ऑर्चर्ड में पूरे डायमंड रोड पर इतनी प्राइस में आपको इस तरह की लग्जरी अम्यूनिटी के साथ कहीं पर भी प्लॉट देखने को नहीं मिलता। तो ये था इसका रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अगर आप इस हवाले से कोई भी कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के हवाले से या रेजिडेंशियल पर्पसेस के हवाले से, या अगर आप प्लॉट परचेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333110531। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।